हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं, मैं और खालिद बिन वलीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के घर गए, तो वो हमारे लिए एक बर्तन में दूध लाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया। मैं उस वक्त रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा बाएं जानिब बैठे हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, दूध पीने का तेरा हक है, अगर तू चाहे अपनी बारी खालिद को दे दे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके जूठे पर किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकता। फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला खाना खिलाए तो उस शख्स को चाहिए कि यूं कहे कि ऐ अल्लाह, इस खाने में हमारे लिए बरकत फरमा और हमें इससे बेहतर खाना अता फरमा, और जिसको अल्लाह ताला दूध नसीब फरमाए उसे चाहिए कि यूं कहे, ऐ अल्लाह, इस दूध में हमारे लिए बरकत फरमा और हमें इससे ज्यादा अता फरमा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूध के सिवा और कोई चीज ऐसी नहीं जो खाने और पीने की जगह कफायत कर सके।